नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ मौजूद हैं डी डब्ल्यू पी एस के डायरेक्टर विनय शर्मा जी विनय जी आपका स्वागत है धन्यवाद सर आपका और सभी भिवानी वालों को भी मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ मैं विनय शर्मा मैंने यहाँ डी डब्ल्यू पी एस में डायरेक्टर के तौर पर अभी ज्वाइन किया है शर्मा जी बात करें तो इससे पहले आप कहाँ थे और क्या प्रोफाइल थी आपकी सर अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं आई मुंबई से पास आउट हूँ सर मैं डॉक्टरेट हूँ न्यूक्लियर फ़िजिक्स में मैंने एम किया है इंटरनेशनल बिज़नेस में मास्टर्स इन फिज़िक्स एंड मास्टर्स इन एजुकेशन मेरे पास सर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में काम करने का अनुभव है दुबई में मेरे पास एजुकेशन का काफ़ी अनुभव है मैंने कनाडा एजुकेशन में काम किया है और मैंने इंडिया में भी सर काफ़ी स्कूलों के साथ काम किया है जिसमें से डी भी एक संस्था है डी पी गुड़गांव में मैंने काम किया मैंने बहुत कुछ अनुभव किया सर पिछले सत्रह सालों में एजुकेशन में रहते हुए और उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है मुझे लगता है जब एक डायरेक्टर और एक प्रिंसिपल एक अच्छे टीचर भी होते हैं तो वो किसी भी समस्या का समाधान बहुत प्रैक्टिकल तौर पे कर पाते हैं तो आई एम ए टीचर फर्स्ट सर मेरा पैशन है टीचिंग और मैं आज भी फिजिक्स पढ़ाना बहुत पसंद करता हूँ अगर बात करें अब्रॉड की जैसे आप दुबई रहे हैं और भी कंट्रीज में रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें कि वहाँ क्या होता है स्कूलिंग में और यहाँ क्या फ़र्क है सर सबसे टेक्निकल लेवल की बात की जाए तो बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है बस जो डिफरेंस है वो है एप्लीकेशन का डिफरेंस सेम सीबीएसई दुबई काम करता है के ट्वेल्व की पॉलिसीज और सीबीएसई की पॉलिसीज़ में डिफरेंस नहीं है उसे अप्लाई कैसे करना है एप्लीकेशन का डिफरेंस है जैसे अगर हमने कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो अगर उसका टाइमिंग आठ बजे है तो आठ बजे ही शुरू होना चाहिए उसकी जो प्लानिंग है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है यूजली कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम जब भी अभी अब हम बात करें हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं सर तो आप भी पेरेंट हैं आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर सेप्टेंबर एग्ज़ाम है तो बच्चा सेप्टेंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा वहाँ पे एक डिफरेंस है सर कि अगर आपका एग्ज़ाम सेप्टेंबर में है तो बच्चा बहुत पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है बच्चा अपनी पसंद की एक्टिविटी लेना पसंद करता है अगर उसे इंटरेस्ट है पेंटिंग में तो पेंटिंग सीखना स्टार्ट कर देगा अगर उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स सीखना स्टार्ट कर देगा एंड नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन है सर हमारे यहाँ हम काफ़ी बार ये कोशिश करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट 99 स्कोर करता है तो वो इंटेलिजेंट है और एक स्टूडेंट अगर 50 मार्क्स स्कोर करता है तो वो लेस इंटेलिजेंट है बट हो सकता है कि उसका रुझान किसी और चीज़ में है अगर स्कूल सही समय पर ध्यान दे और उसके इंटरेस्ट को हम पहचान पाएं तो वो बच्चा भी 99 स्कोर कर सकता है तो यहाँ पे भी हम यही कोशिश करेंगे सर कि जो एजुकेशन है वो नॉलेज ओरिएंटेड हो बच्चे का स्ट्रेस डिक्रीज किया जाए या दूसरे शब्दों में बोला जाए स्ट्रेस रिमूव नहीं कर सकते सर हम स्ट्रेस हैंडल करना सिखा सकते हैं तो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस तो यहाँ पे अब यही कोशिश करेंगे कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है अगर मेरे बच्चे को मीडिया में जाना है तो मैं मीडिया हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे बच्चे के पास आए और उसे सिखाए अगर सी बनना है तो सीनियर सी हमारे स्कूल में विज़िट करें और वो बच्चे को बताएं क्या जर्नी रही सी क्या कॉम्प्लिकेशन फेस करता है जब वो प्रिपेयर कर रहा था क्या टाइम टेबल होना चाहिए अभी क्या हो रहा है सर हम बहुत एक अजीब से रस्ते पे चल रहे हैं हम टारगेट है हमारे पास बट वो रास्ता जो उस टारगेट तक पहुंचाएगा उसकी सही जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है वो सही इंसान चाहिए जो उस रस्ते को बता सके यही एक अध्यापक का दर्शन होना चाहिए तो मैं बहुत सारे लोगों से आह्वान भी करूंगा जो भिवानी में हैं हमारे डीसी साहब हैं हमारे एच सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे यहाँ टाइम टू टाइम हम रिक्वेस्ट करेंगे विजिट करें और बच्चों को बताएं क्या क्या होती है एक आई की जर्नी कैसे एक आई काम करता है प्रैक्टिकल तौर पर कितने घंटे किस रूटीन के साथ उसे पढ़ना चाहिए एज ए डायरेक्टर आप डी डब्ल्यू पी एस में आए हैं तो क्या चेंज करना चाहेंगे आप इस स्कूल में मुझे लगता है सर कोई भी चीज जो शुरू होती है वो डिसिप्लिन से स्टार्ट होती है वैसे हमारा डिसिप्लिन बहुत अच्छा है बट हर जगह पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है तो हम हर उस स्कोप को ढूंढेंगे जो ठीक किया जा सकता है और एक बेहतर स्कूल बनने में हमारी मदद करेगा दूसरा ये है सर जो विजन है आज बच्चा बहुत सारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में जिसमें स्पेसिफिकली कोचिंग्स लेने में तो डी डब्ल्यू पी एस अभी शुरुआत करने जा रहा है फ्री शिक्षा क्लासेस की जो शाम को स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होंगी जो हमारे यहाँ पे बच्चे नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं शाम को सर आजकल स्वस्थ रहने के लिए खेल का भी बहुत महत्व है तो शाम को हमारे यहाँ स्पोर्ट्स अकेडमी भी स्टार्ट होने जा रही है सर वेरी सुन हम क्रिकेट अकेडमी बैडमिंटन अकेडमी स्केटिंग अकेडमी और आर्चरी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सर आपके जो स्कूल के ओनर हैं गुप्ता जी उनका क्या विजन है भिवानी के लिए वो किस रूप में देखते हैं स्कूलिंग और भिवानी शहर को सर बड़े सर हम बुलाते हैं गुप्ता जी को बड़े सर बहुत ही विजनरी हैं सर उनका जब मेरी पहली मुलाकात हुई उनके साथ उनका कहना ये था कि बहुत सारे जो स्कूल आज की दौर में खोले जा रहे हैं उनका मेन मोटिव होता है बिजनेस करना बट गुप्ता जी का कहना था कि मैंने इस धरती पे जन्म लिया और मैं इस धरती को कुछ देना चाहता हूँ तो उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है सर तभी तो उनके कहने पे फ्री क्लासेस या या अकेडमी स्टार्ट की जा रही हैं सर ये सारे उनके विज़न का ही परिणाम है उन्होंने कोशिश की कि लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों में आए बहुत डिफिकल्ट होता है सर किसी को मुंबई से आके यहाँ पे प्रिंसिपल बनना कोई गुड़गांव या दिल्ली जैसे बड़े शहर से आके भिवानी में काम करे बट ये उनका विज़न ही है जिनकी वजह से उन्होंने कन्विंस किया और वो चाहते हैं कि भिवानी शहर में एजुकेशन को नए आयाम पे लेके जाया जाए भिवानी शहर में स्पोर्ट्स को भी नए आयाम पे लेके जाया जाए मैंने जो पाया सर यहाँ पे उनका विजन इतने साल पहले था आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डी प्रोवाइड करता है पूरे हरियाणा में बहुत गिने चुने स्कूल होंगे जिनके पास ये सुविधाएं होंगी और उनका विजन विजन है सर हर सुविधा का ऑप्टिमम सदुपयोग किया जाए और भिवानी के एजुकेशन लेवल को ही वर्ल्ड लेवल पे लेके जाया जाए भिवानी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मैं भिवानी को यही कहना चाहूंगा सर कि आज डी बदल रहा है और गुप्ता जी के निर्देशों के अनुसार हम हर वो चीज करेंगे जो भिवानी के एजुकेशन को एक नया आम तक लेके जा सकती है तो हमारा सहयोग कीजिए हम भिवानी के हर वासी का सहयोग करेंगे जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और एक चीज और कहना चाहूंगा सर इसमें जो भी बच्चे आज नेशनल्स खेल के आए हैं या जो इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं जो नीट में और जेई में जाना चाहते हैं तो हम बहुत ही जल्दी स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं सर थैंक यू ये थे विनय शर्मा जी डी डब्ल्यू के डायरेक्टर जैसे इन्होंने बताया गुप्ता जी का विजन काफ़ी क्लियर है भिवानी के लिए और भिवानी के बच्चों को कुछ नया देना चाहते हैं थैंक यू सर आपका थैंक यू सर थैंक यू सो मच और विवानी वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद